जय हिंद दोस्तों, आज हम एक निबंध लेकर आए हैं जो है भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति। तो इस पर आज हम निबंध पढ़ेंगे और एक ही नए अंदाज में आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक बार रिव्यू दिला देते हैं। इसमें प्रत्येक हेडिंग के बाद आपको ये लाइनें लिखनी है जो कि हर एक हेडिंग में होंगी। तो वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में ये कुछ हेडिंगे हैं जैसे प्रस्तावना, प्राचीन में नारी और नारी की स्थिति। ऐसे आप 5-6 हेडिंग डाल के जो लास्ट हेडिंग होगी वो होगी उपसंहार। और उसके बाद उन हेडिंग्स के बारे में आप लिखेंगे। तो जो सबसे पहली हेडिंग थी हमारी प्रस्तावना, इसमें क्या लिखेंगे आप? यदि मानव समाज को एक गाड़ी मान लिया जाए तो स्त्री पुरुष उसके दो पहिए हैं, दोनों में से यदि एक भी कमजोर हुआ तो समाज रूपी गाड़ी का संचालन कठिन हो जाएगा। इसीलिए समाज का कर्तव्य है कि वह नारी और नर समाज के इन दोनों पक्षों को सबल और उन्नत बनाने का प्रयत्न करे। और उसके बाद जो आपको लाइनें लिखनी है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा, ये रचा विधान है, हमारा नतमस्तक उनको प्रणाम है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही ये रचा विधान है, हमारा नतमस्तक उनको प्रणाम है। उसके बाद जो अगली हेडिंग है वो है प्राचीन में नारी। उस पर आप लाइनें लिखेंगे, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपने पास से भी लिख सकते हैं। समय समय के साथ समाज परिवर्तित हुआ है, कई रूढ़ियाँ हमारे समाज में प्रचलित हुई और नारी का महत्व करना शुरू हुआ। आगे देखते हैं। स्त्री देवी ना कहकर विलासिता की वस्तु बनने लगी। स्त्री के प्रति श्रद्धा घटती चली गई। विदेशियों के आगमन से इस प्रवृत्ति में और वृद्धि हुई। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने नारी के उस स्वरूप का बड़ा ही धार्मिक वर्णन किया है। क्या कहा है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अगली हेडिंग है, तीसरी हेडिंग हमारी, नारी की शक्ति में परिवर्तन। और इसमें आप ये लाइनें लिख देंगे, ये मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद जो ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, यही इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए। इन लाइनों को देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा, PDF भी मिल जाएगी आपको। हर घर में नारी के सपने, खुद का एक आकाश चुने, बाप का सीना बने हिमालय, हर बेटी विश्वास बुने। मुझे भी हक है अपने हिस्से का जीवन जीने का, मुझे भी हक है बयां करूं मैं अपना दुख सीने का। उसके बाद जो हेडिंग है वो है समाज के छद्म पास में फंसी नारी। ये हेडिंग डाल के आप कुछ लाइनें लिख देंगे अपने पास से। उसके बाद ये लाइनें लिखेंगे, जब को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है नारी, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम है नारी। अगला देखते हैं, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है भारतीय नारी और समाज सुधारक। इसमें मतलब लिख सकते हैं आप, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित तथा इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं ने आगे बढ़कर नारी समाज का पथ प्रदर्शन किया। उसके बाद ये लाइनें, सजग सचेत सबल समर्थ आधुनिक युग की नारी है, मत मानो अब अबला उसको, सक्षम है बल धारी है। बीत गई वो कल की बेला, जीती थी वो गुटगुट कर, कुछ ना कहती सब कुछ सहती, पीती आंसू छुप छुप कर। उसके बाद हेडिंग हो जाएगी आपकी भारतीय नारी या बलिदान की प्रतिमा। आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं लेकिन ये लाइनें जरूर लिखना। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, यदि पुरुष है तो नारी शक्ति है, यदि पुरुष विश्वास है तो नारी श्रद्धामयी है, यदि पुरुष पौरुष है तो नारी ममता है, अर्थात किसी भी दृष्टि से भारतीय नारी कम नहीं है।
आपको ये लाइनें कम लिखनी है, इन पे ज़्यादा जोर देना है। अगर इनको आप पूरे में लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो लाइनें पढ़ते हैं। नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन धन यंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा सुख मंत्र हो, सुरभित बनमाल हो, जीवन की ताल हो, मधु से संचित सी कविता कमाल हो। नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन धन यंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा सुख मंत्र हो, सुरभित बनमाल हो, जीवन की ताल हो, मधु से संचित सी कविता कमाल हो। जो अगली हेडिंग है और लास्ट हेडिंग उपसंहार, इसमें आप लिख सकते हैं कोई भी लाइनें लिख दें, पहले तीन या चार, उसके बाद ये लाइनें लिखें। मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे सिर्फ आपको ये लाइनें बतानी थी। नारी है अभिव्यक्ति का नाम, नारी इच्छा शक्ति का नाम, नारी को कम मत समझो, ये सबल रूप संयम का नाम। नारी के बिना ज्ञान अधूरा, मानव का संसार न पूरा। फिर से रिपीट कर देते हैं। नारी है अभिव्यक्ति का नाम, नारी इच्छा शक्ति का नाम, नारी को कम मत समझो, ये सबल रूप संयम का नाम। नारी के बिना ज्ञान अधूरा, मानव का संसार न पूरा। तो आपका हमने ये पूरा कंप्लीट करा दिया है। पार्थी नारी शक्ति पर निबंध, जो पिछली बार हमने निबंध पढ़ा था आपको COVID-19 पर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। अगला जो हम लाएंगे वीडियो वो होगा हमारा महंगाई पर, इसमें कुछ लाइनें लिखने को रह गई हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ये लाइनें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम बताते हैं आपको, अलग से पढ़ाते हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। तो आपको यहाँ पे क्लास 10th और 12th की हिंदी पढ़ाई जाती है। जो अगला वीडियो होगा वो होगा हमारा महंगाई पर निबंध। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।